नमस्कार। और अब चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। सभी प्रदेशों में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस अवसर पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सहित अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमें शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस अवसर पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सहित अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पुलिस महानिदेशक पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि 21 अक्टूबर को सभी जिलों की पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाएगा। पंचकुला में आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष देश भर में शहीद हुए 188 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पिछले 5 वर्षों में देश भर के 1250 से अधिक पुलिसकर्मी और हरियाणा में 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए। उन्होंने हरियाणा प्रदेश बनने से लेकर अब तक 83 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 21 अक्टूबर एक विशेष दिन है पुलिस बलों के लिए पूरे देश में। इस दिन वर्ष 1959 के अंदर एक पुलिस पार्टी हमारी शहीद हुई थी लद्दाख में, चीन की आर्मी के साथ एक मुठभेड़ हुई और तभी से इसको एक पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 अक्टूबर हर वर्ष। और वर्ष भर में जितने भी पुलिसकर्मी सभी प्रदेशों में और सभी पुलिस बलों के जो शहीद हो जाते हैं ड्यूटी करते हुए, उन सभी को श्रद्धांजलि हर जिले में पुलिस लाइन के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित करके उनको दी जाती है। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 1959 को भारत तिब्बत सीमा पर लद्दाख के क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान सीमा पर गश्त करते समय चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हुए थे। तभी से 21 अक्टूबर को पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हुई थी। तब से आज तक देश में लगभग 36,214 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन वीर सपूतों की कर्मभूमि कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर नागालैंड और मणिपुर के घने जंगलों तक और चंबल के बीहड़ों से लेकर कच्छ के रण तक रही है। उन्होंने हर समय आतंकवादियों, उग्रवादियों, अपराधियों, असामाजिक तत्वों से निपटते हुए भारत के जनमानस और भारत माता की सेवा की है। अनिल कुमार की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।